गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था धातुओं के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उसमें मैंने बताया था कि धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ने में हमने धातुओं की अभिक्रियाएं पढ़नी है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, पानी के साथ और अम्ल के साथ। तो लास्ट वीडियो में हमने दो अभिक्रियाएं कर ली थी, मतलब हमने पढ़ लिया था धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया और धातु की जल से अभिक्रिया। तो उसमें लास्ट मैंने छोड़ दिया था कि धातु की अम्ल से अभिक्रिया। तो अब मैं धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया यहां से शुरू कर रहा हूं, क्यों, ये धातुओं के रासायनिक गुणधर्म का ही एक पार्ट है। उसमें बच गया था ये कि धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया में क्या बनता है, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं। तो देख ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सभी धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। हम अम्ल का जो प्रयोग करते हैं हमेशा तनुकृत अम्ल का प्रयोग ही करते हैं, सांद्र अम्ल का प्रयोग नहीं करते। क्यों, क्योंकि सांद्र अम्ल का प्रयोग करना बहुत ही हानिकारक होता है, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हम तनुकृत अम्ल का प्रयोग करेंगे किसके लिए, अभिक्रिया के लिए, किसके साथ, धातुओं के साथ। तो चलो देखते हैं धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कैसे करती है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तनुकृत अम्ल का प्रयोग करेंगे यहाँ पे अभिक्रिया। अब कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया तेजी से करेगी कि धीमी करेगी, ये किसके ऊपर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है उस धातु की क्रियाशीलता पे। और क्रियाशीलता हमने पढ़ लिया, ऑक्सीजन से जब धातुएं अभिक्रिया करती हैं तो उसमें कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो धीमे अभिक्रिया करती हैं। जल में भी ऐसे ही पढ़ा था हमने कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो जल से बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो धीमे अभिक्रिया करती हैं। तो जो अधिक तेजी से अभिक्रिया करती है उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है और जो धीमे अभिक्रिया करती है उनकी क्रियाशीलता कम होती है। तो अम्ल के साथ भी वैसा ही है, जिन धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होती है वो अम्ल से तेजी से अभिक्रिया करती है और जिनकी क्रियाशीलता कम होती है वो अम्ल से धीमी अभिक्रिया करती है। तो क्रियाशीलता के ऊपर निर्भर करता है क्या, धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया। सोडियम धातु जो है वो अम्ल से बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है। हम ये पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि सोडियम और पोटासियम बहुत ही क्रियाशील धातुएं हैं, हम उनको वायु में खुला भी छोड़ नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, इसलिए उनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो सोडियम बहुत तेजी से अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करती है। मैग्नीशियम जो है देखो ये करेगी बहुत तेजी से, उसके बाद मैग्नीशियम जो करेगी वो इससे थोड़ा कम तेजी से करेगी, मतलब ये तेजी से करती है, ये बहुत तेजी से करती है, ये तेजी से करेगी। एल्यूमिनियम क्या करती है, एल्यूमिनियम को जैसे ही हम अम्ल में डालेंगे तो एल्यूमिनियम पहले धीमे अभिक्रिया करती है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, तो जब अम्ल ऑक्साइड के संपर्क में आएगा तो वो धीमी अभिक्रिया करता है। जैसे ही उसकी ऑक्साइड की परत ऊपर से उतर जाएगी तो अम्ल धातु के संपर्क में आ जाएगा और अभिक्रिया हो जाएगी तेज। ठीक है, तो एल्यूमिनियम वो भी अम्ल से अभिक्रिया करता है लेकिन सोडियम और मैग्नीशियम से धीमी करता है। ठीक है, आयरन जो होता है वह एल्यूमिनियम से भी धीमी अभिक्रिया करता है, मतलब अम्ल से अभिक्रिया तो करेगा लेकिन बहुत धीमी अभिक्रिया करता है। कॉपर जो है ये अम्ल से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता, इसका मतलब है यह इन सब से कम क्रियाशील धातु है। अब हम पढ़ते हैं अलग अलग अम्ल से धातुएं अभिक्रिया कैसे करती है, मतलब हमारे पास तीन अम्ल है, हमें पता है हमारे पास मुख्य रूप से तीन खनिज अम्ल होते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल होता है और एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। तो हम शुरू करते हैं किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखो ये तो पता चल गया कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है,
तो जब HCl से अभिक्रिया होगी तो कौन सा लवण बनेगा? देखो इस अम्ल में क्लोरीन है तो क्लोराइड लवण प्राप्त होएगा हमें। जैसे सोडियम ने HCl से अभिक्रिया की तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl प्राप्त हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये अभिक्रियाएं जो मैंने लिखी है ये संतुलित नहीं है, मैंने वही लिख दिया जो बनता है। संतुलित आप लोगों को करना है, आप लोग कर लेना। संतुलित करना मैं पहले सिखा चुका हूं और कई बार मैंने बता दिया कि अभिक्रियाओं को या समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। मैं सिर्फ वो बता रहा हूं कि जो बनेगा। मैग्नीशियम धातु जब तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्लोराइड लवण बनेगा, मतलब मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। लेकिन ये तेजी से करती है, ये उससे थोड़ी धीमे करती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। आयरन भी HCl से अभिक्रिया करेगा और आयरन क्लोराइड बनता है, लेकिन बहुत ही धीमी अभिक्रिया करेगा। कॉपर HCl से अभिक्रिया करेगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये इसका कारण भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। पहले हम ये अभिक्रियाएं पढ़ लेते हैं अलग अलग अम्ल के साथ। तो HCl से जब धातु अभिक्रिया करती है तो क्लोराइड लवण बनता है। अब बात आती है H2SO4 की, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ धातु में अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी? तो वो बनाएगी सल्फेट लवण। लवण तो बनना ही है, लेकिन लवण बनेगा कौन सा? वो बनेगा सल्फेट, धातु का सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। जैसे लिखा है सोडियम, सोडियम H2SO4 से अभिक्रिया करेगी तो सोडियम का सल्फेट बन जाएगा Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, क्यों? क्योंकि सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम H2SO4 से अभिक्रिया करेगी और बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट। एल्युमिनियम H2SO4 से अभिक्रिया करेगी तो बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट। आयरन H2SO4 से अभिक्रिया करेगी तो बनेगा आयरन सल्फेट। लेकिन अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगी, H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करेगी। सोने की बात करें गोल्ड भी कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। सिल्वर की बात करें सिल्वर भी कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। लेड की बात करें वो भी कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है भाई, मतलब कहने का कॉपर सिल्वर गोल्ड ठीक है लेड ये कोई भी इनमें से या मरकरी ये अभिक्रिया नहीं, लेड कर लेगा लेकिन जो ये गोल्ड होता है सिल्वर होता है और मरकरी होता है वो अभिक्रिया नहीं करेंगे। अब बात आती है हमारा जो लास्ट का जो हमारा बच गया अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल, उससे धातु में अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है? देखो भाई हमारे पास है नाइट्रिक अम्ल, काम वही होगा। क्या होगा कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो बनेगा लवण तथा हाइड्रोजन गैस। ठीक है HNO3 अगर हम ले लेंगे, HNO3 हमने लिया HNO3, इसमें हमने डाला धातु को क्या बनना चाहिए? नाइट्रेट लवण बनना चाहिए, धातु का नाइट्रेट लवण। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब यहाँ हमने HNO3 ले लिया और धातु से अभिक्रिया करवाई, लवण और हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए। लेकिन HNO3 के साथ जब धातु की अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण तो मिल जाता है लेकिन हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सभी लवणों की धातुओं से अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोजन गैस मिलती है, लेकिन सिर्फ HNO3 की धातु से अभिक्रिया करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त क्यों नहीं होती? ये पेपर में आता है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि HNO3 जैसे ही हमने टेस्ट ट्यूब में HNO3 लिया और इसमें ऊपर से या पहले धातु ली फिर हमने इसमें तनुकृत HNO3 डाल दिया नाइट्रिक अम्ल, तो जो हाइड्रोजन गैस पैदा होती है वो हाइड्रोजन गैस पैदा होते ही H2O में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि HNO3 एक ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का मतलब समझते होगे, पहले बता चुका हूं ऑक्सीकारक वह पदार्थ होता है जो किसी दूसरे का ऑक्सीकरण करवाता है। अब HNO3 जो है यह ऑक्सीकरण करवाएगा किसी दूसरे का, किसका? H2 का। H2 पैदा हुई
इसने इसका ऑक्सीकरण करवाया, मतलब इसको ऑक्सीजन दे दी, तो इसको ऑक्सीजन मिलते ही है तो किसमें बदल गया, H2O मिल गई, तो किसमें बदल गया, जल में। तो जो हाइड्रोजन गैस पैदा होती है उस हाइड्रोजन गैस को HNO3 जल में परिवर्तित कर देता है। क्यों? क्योंकि HNO3 एक ऑक्सीकारक है जिसमें वो अपनी ऑक्सीजन H2 को देकर उसको जल में परिवर्तित कर देता है। और खुद इसका क्या हो जाएगा, देखो जो ऑक्सीकारक होता है उसके खुद का क्या हो जाता है, उसका खुद का रिडक्शन हो जाएगा, मतलब इसके खुद का अपचयन हो जाएगा, मतलब इसमें से अगर ऑक्सीजन जाएगी तो इसका अपचयन हो जाएगा। और ये अपचयन होकर किस में बदल जाएगा, देखो हाइड्रोजन तो पहले चली गई थी इसमें से, अब ऑक्सीजन में चली गई, तो किस में इसका अपचयन हो सकता है, या तो NO2 में या NO में या N2O में, ठीक है। यहां से पहले NO या N2O या NO2, इनमें से किसी में भी इसका अपचयन हो सकता है, मतलब HNO3 अपनी ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को देके इनमें से किसी में बदल सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि HNO3 दूसरे का ऑक्सीकरण करवाएगा तो उसका खुद का अपचयन होगा, ठीक है। तो इन किसी में से भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाएगा, जबकि ठीक है भाई बात याद रखना, लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम HNO3 बहुत ज्यादा तनुकृत ले लें, मतलब सांद्र नहीं अत्यधिक तनुकृत HNO3 ले लिया और अभिक्रिया करवा दी किसके साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ, तो उस समय हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। और क्या मिलेगा, लवण मिलेगा, इसका MgNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट, क्योंकि HNO3 से अभिक्रिया हो रही है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्राप्त होगा MgNO3 2, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। जब अत्यधिक तनुकृत नाइट्रिक अम्ल लेंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अत्यधिक तनुकृत नाइट्रिक अम्ल इतना ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक नहीं होता, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक नहीं है कि यह इस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कर सके, ठीक है। तो अत्यधिक तनुकृत HNO3 लेने पर हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होगी, उस समय इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। और मैग्नीशियम के साथ या मैग्नीज के साथ अभिक्रिया करें, HNO3 मैग्नीज और मैग्नीशियम या मैग्नीज के साथ अभिक्रिया करके हमें देता है क्या, मैग्नीज नाइट्रेट, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। ये दोनों एक्सेप्शन याद रखना, ये एक्सेप्शन ही पेपर में आते हैं कि HNO3 धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनाता, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो H2 का ऑक्सीकरण करके जल में परिवर्तित कर देता है। लेकिन अत्यंत तनुकृत HNO3 का कि HNO3 की अभिक्रिया करवाए किसके साथ, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ, तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अत्यंत तनुकृत HNO3 ऑक्सीकारक नहीं होता, वो इतना ऑक्सीकारक नहीं है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण कर सके और हमें जल प्राप्त हो सके। ये बात याद रखना भी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ये तो होगी भी धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया, और धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया में हमने कुछ बातें सीख ली। क्या सीख लिया हमने, तो पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया, H2O जल से अभिक्रिया, और अम्ल से अभिक्रिया में हमने ये देख लिया भी कि कुछ धातुएं थे, कुछ धातुएं इन तीनों से बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं, कुछ धातुएं ऐसी हैं जो इन तीनों से धीमे अभिक्रिया करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होती है, मतलब कुछ धातुएं अधिक क्रियाशील है और कुछ धातुएं कम क्रियाशील है, ठीक है भाई। देखो अब पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या है, सक्रियता श्रेणी मतलब ये तो समझ में आ गया हमें कि कुछ धातुएं अधिक क्रियाशील है और कुछ धातुएं कम क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि हमने अभिक्रिया करवा के देख लिया जल से, अम्ल से और ऑक्सीजन से। अब हम देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या है। अब उन धातुओं को जिनका हमें पता है कि इनमें से कुछ अधिक क्रियाशील है, कुछ कम क्रियाशील है, हम उन धातुओं को एक श्रेणी में लगा देंगे। कौन सी श्रेणी में, जिसमें अधिक क्रियाशील धातु को सबसे ऊपर रखेंगे, उसके बाद उससे कम क्रियाशील, उसके बाद उससे कम क्रियाशील, उसके बाद उससे कम क्रियाशील, इस तरह से धातुओं को व्यवस्थित करेंगे क्रियाशीलता के आधार पर। पहले फर्स्ट चैप्टर में भी ये मैंने बताया था आप लोगों को। तो
धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। मतलब धातुओं की क्रियाशीलता के घटते क्रम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु जैसे लिखा मैंने पोटासियम, फिर लिख दिया सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसमें मतलब क्या जो सबसे ऊपर है ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है भाई। और उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, और ये है हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मर्करी, फिर सिल्वर, और फिर है गोल्ड, ठीक है भाई। तो ये सक्रियता श्रेणी है। यहाँ धातुओं को ऊपर से नीचे घटते क्रम में लगा दिया, किसके आधार पे? उनकी सक्रियता के आधार पे। अब इसमें एक बात याद रखना, यहाँ बीच में हाइड्रोजन आता है, इसमें कुछ धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर लिखी हुई हैं, कुछ धातुएं हाइड्रोजन से नीचे लिखी हुई हैं। चार धातु ऐसी हैं जो हाइड्रोजन से नीचे लिखी हुई हैं, कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। इस सक्रियता श्रेणी को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये सक्रियता श्रेणी हमें याद होगी तो हमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अलग अलग। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? तो इसको याद करने, देखो कोई भी अगर ऐसे रटाफिकेशन करनी पड़ जाए किसी चीज की, तो इसको ना अपने हिसाब से कोई आप शब्दों में डाल दो, मतलब इसके कोई शब्द बना लो, जैसे के ना का ऐसे कना का एम जी ए एल, अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको आसान लगे वैसे कोई इन इनसे कोई शब्द बना लो और उस शब्द में ये सारे के सारे आ जाए, ठीक है ना। तो इनको याद करना आसान होता है। कोई भी ऐसे कोई चीज जिसमें ऐसे रेक्टिफिकेशन की जरूरत हो, मतलब एक डाटा दिया हो और उस डाटा को याद करना पड़ जाए कभी भी, तो उसको शब्दों में डाल लो, इसको एक शब्द बना लो, जैसे कना का मगाल, तो इस तरह से जिसमें के कना का मतलब के पोटासियम, एन ना एन ए सोडियम, का सी ए कैल्शियम, तो ऐसे फिर आपको याद हो जाएगी, वो आसानी से याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ गए। तो ये सक्रियता श्रेणी को याद करना जरूरी है। अब प्रश्न आता है अम्ल तथा जल से अभिक्रिया में H2 गैस क्यों निकलती है? अम्ल, देखो हमने पढ़ लिया, जब भी धातु H2O जल से अभिक्रिया करती है तो धातु का लवण प्राप्त होता है, और नहीं सॉरी धातु का हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, धातु हाइड्रोक्साइड और हमें प्राप्त होती है हाइड्रोजन गैस। लेकिन हाइड्रोजन गैस क्यों प्राप्त होती है? अब एक और पढ़ा हमने धातु और लवण, सॉरी अम्ल, इसकी अभिक्रिया में हमने देखा लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, यहां भी हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई, ऐसा क्यों? दोनों जगह हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई, ऐसा क्यों था? देखो जब हम धातु को जल में डालते हैं तो जल में थोड़े बहुत H+ और OH- ये आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, जल H2O जो होता है उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। जब हम धातु को इसमें डालेंगे, ये जल है, इस जल में H आयन और OH आयन है, हमने धातु को इसमें डाल दिया, हमने ये पढ़ लिया, मैंने बताया भी कि धातु में क्या होती है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते हैं, तो जब हम इसको धातु को इसमें डालेंगे तो उनकी टेंडेंसी क्या है, उनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की। तो देखो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दे रखा है पहले ही, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, धातु की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, वो इसको एच को इलेक्ट्रॉन दे देगी, जो इसने इलेक्ट्रॉन खोया है वो धातु से ये ले लेगी और H+ में बदल जाएगा और H और H दो H आपस में जुड़ के हाइड्रोजन गैस बना देंगे, ठीक है। और जो धातु जिसने इलेक्ट्रॉन दिया था उसके पास क्या आ जाएगा, प्लस का, मान लिया धातु इसके पास प्लस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको भी इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये OH है, OH-, इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, MOH मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बात समझ में आई? अब बात आती है अम्ल की। जब हम धातु को अम्ल में मिलाते हैं, जैसे ये अम्ल है, हमें पता है अम्ल में हाइड्रोजन आयन तो होते ही होते हैं, जैसे
HCl की बात करें तो इसके जलीय विलयन में H+ और क्लोराइड आयन ये होते हैं। जब हम ऊपर से धातु डालेंगे वही बात हो जाएगी, धातु की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, तो इस हाइड्रोजन को इसने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं H+ तभी तो आया, और धातु जैसे ही हमने डाली धातु ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए किसको, हाइड्रोजन आयन को, तो H+ इलेक्ट्रॉन लेते ही H में बदल जाएगा, और अकेला H स्टेबल नहीं है, ये ऐसे नहीं रह सकता, ये दूसरे H के साथ जुड़ेगा और H2 में बदल जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। बाकी जो धातु बच गई जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिए थे वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगी और हमें प्राप्त हो जाएगा धातु का क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी होता है, ऐसे ही HNO3 के साथ भी होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक अम्ल हाइड्रोजन आयन तो देता ही देता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, पहले जो वीडियोस मैंने बनाई उनमें भी ये बात क्लियर कर चुके हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रश्न का आंसर अम्ल तथा जल से अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस क्यों पैदा होती है, ये इसका आंसर है कि हाइड्रोजन गैस क्यों पैदा होती है। अब आता है धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर क्यों होता है। भाई कुछ धातुएं अधिक क्रियाशील हैं, जैसे मैंने बताया पोटासियम, ये जो सक्रियता श्रेणी मैंने लिख दी, ये सक्रियता श्रेणी उनकी क्रियाशीलता के आधार पे तो लिखी है, मतलब ये जो धातु है पोटासियम ये अधिक क्रियाशील क्यों है, सोडियम अधिक क्रियाशील, फिर उसके बाद कैल्शियम, तो सबसे कम क्रियाशील सोना है, ये सबसे कम क्रियाशील क्यों है और ये सबसे अधिक क्रियाशील क्यों है। देखो भी धातु क्या है, धातु ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर धन आयन बनाते हैं, तो ये यही एक धातु का गुण है, बेसिक जो नेचर है उसका, सबसे बेसिक जो किसी का नेचर है वो ये होता है कि जैसे धातु का बेसिक नेचर क्या है कि इलेक्ट्रॉन को खोकर धन आयन बनाना। अब जिसके पास ये नेचर सबसे अच्छा होगा, मतलब जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो देगी वो उतनी अच्छी धातु है, मतलब वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो धातुएं वो तो उनका नेचुरल भी उनका अंदर का करैक्टर है, ये उनका गुण है कि वो इलेक्ट्रॉन खोती हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से दे देंगी, मतलब जितना तेजी से इलेक्ट्रॉन देती हैं तो वो अभिक्रिया भी उतना तेजी से करेंगी। अब मान ले कोई सुस्त आदमी है, उसको कहीं भी छोड़ दो वो जाएगा धीरे धीरे काम करेगा, इधर इधर ऐसे चलता रहेगा कुछ भी नहीं। एक मान लो एक्टिव हो जाते ही और थप्पड़ दे थप्पड़ दूसरे को, ठीक है वो तो एक्टिव है। तो एक धातु जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया स्टार्टिंग में जाते ही, तो इलेक्ट्रॉन जो दे देगा एकदम, तो वो अभिक्रिया कितनी तेजी से करेगी। ठीक है भाई, तो जो धातुएं इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से देती हैं, मतलब जो धातु जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगी वो धातु उतनी ही ज्यादा क्रियाशील होगी, और जो धातु इलेक्ट्रॉन देने में या मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगी इतनी तेजी से वो उतने ही कम क्रियाशील होगी। इस यही कारण है कि धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है। ठीक है भाई, याद रखना। अब है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है, ये एक मिक्सचर, एक्वारेजिया ये मिश्रण है। किसका मिश्रण है, इसमें कंसंट्रेटेड मतलब सांद्र लिखा भी हुआ, मैंने लिख ही दिया, देखो सांद्र HNO3, सांद्र लेना तनुकृत नहीं लेना, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल और सांद्र H2SO4 और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमने दो इसमें ले लेने हैं। सांद्र कौन सा, सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों लेना है। नहीं हुई, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नियम गड़बड़ हो गई, मतलब क्या सांद्र HCl, तो सांद्र HNO3, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनको 1:3 के अनुपात में लेना है। कहने का मतलब क्या, कैसे लेना है, जैसे मान लो आपने एक मिश्रण बनाना है 100 ml का, 100 ml का एक मिश्रण बनाना है। ठीक है, इस 100 ml के मिश्रण में आप लोगे 25 ml को ले लोगे HNO3 और 75 ml इसमें डाल दोगे HCl, दोनों सांद्र, तो जो मिश्रण प्राप्त होएगा हमें वो मिश्रण कहलाएगा एक्वारेजिया। क्यों, क्योंकि इसमें 25:75 मतलब 1:3 में हो गया क्या HNO3 और HCl,
नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1:3 के अनुपात में मिला के हमें जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं एक्वारीजिया। क्यों बनाया? एक्वारीजिया बनाने का कारण क्या है? क्योंकि ये इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि ये सभी धातुओं को गला देगा। जैसे ही मतलब इसको इसके अंदर हम धातु को डालेंगे तो धातु गल जाएगी। फिल्म में देखा होगा ना मिस्ट्री इंडिया में, वो उसमें बंदूक को लोएगी, बंदूक को तेजाब में डाल देता, आगे वाला इससे सारा खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह से तो ये ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग है ये मिश्रण कि इसमें कोई भी धातु डालोगे तो वो धातु इसमें गल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कि इसमें सबसे कम क्रियाशील धातु हैं जो कौन सी प्लेटिनम और सोना, वो भी इसके अंदर गल जाएगी मतलब पिघल जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, अब हमने देख लिया भाई हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील और हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये हाइड्रोजन है, इसकी क्रियाशीलता श्रेणी में ये याद रखना है कि हाइड्रोजन से जो ऊपर आती हैं धातुएं वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, और जो हाइड्रोजन से नीचे आएंगी वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। जो हाइड्रोजन से ऊपर आएंगी धातुएं वो सभी धातुएं हाइड्रोजन को उसके विलयन से अलग कर देगी। मतलब जिस भी विलयन में हाइड्रोजन होगा, जैसे हमने देख लिया HCl में है, H2O में है, इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, तो जिस भी विलयन में हाइड्रोजन आयन होगा उस विलयन में अगर हम इन ऊपर वाली धातुओं को डाल देंगे तो ये धातुएं हाइड्रोजन को उसकी जगह से विस्थापित कर देंगी। लेकिन जो ये नीचे वाली धातुएं हैं ये विस्थापित नहीं कर पाएंगी। यही कारण है कि अभी जो मैंने अभिक्रिया बताई थी अम्ल के साथ, जैसे ये H2SO4 के साथ, इसमें कॉपर ने उसके साथ अभिक्रिया नहीं की थी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी कॉपर ने अभिक्रिया नहीं की थी। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही है, देखो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है क्रियाशीलता श्रेणी में, तो कॉपर हाइड्रोजन को उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएगा। ऐसे ही मरकरी सिल्वर और गोल्ड भी विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई, ये बात याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रियाशीलता श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं हम, अगर हम धातु की किसी अन्य धातु लवण से अभिक्रिया करवाए, हालांकि ये बात हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। मान लो आपके पास कोई धातु है धातु ए, और इसको हमने डाल दिया कोई धातु बी धातु के लवण में, बी धातु का लवण इसमें डाल दिया, तो क्या होगा? ये धातु ए अगर इससे अभिक्रियाशील है तो इसको इसकी जगह से स्थापित कर देगी और बन जाएगा ए धातु का लवण, और साथ में क्या बन जाएगी? धातु भी बाहर निकल जाएगी। ये काम होगा भी, ठीक है। हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी फर्स्ट चैप्टर में, और उस चैप्टर में विस्थापन अभिक्रिया में ये बात मैं पहले ही समझा चुका हूँ, और उसी टाइम मैंने ये क्रियाशीलता श्रेणी भी आप लोगों को समझाई थी। दोबारा बता देता हूँ, जैसे आप लोगों के पास विलयन है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, कौन सा है? जैसे हम ले लेंगे कॉपर सल्फेट का विलयन टेस्ट ट्यूब में, और उसमें हम डाल देंगे लोहे की कील, 3-4 घंटे के बाद उस विलयन का रंग नीले से हरा हो जाएगा। कारण क्या है? कारण यही है कि जो अधिक क्रियाशील धातु थी आयरन, उसने कम क्रियाशील धातु कॉपर को उसको विलयन से विस्थापित कर दिया। कैसे? आप लोगों के पास विलयन था कॉपर सल्फेट, जो कि विलयन है ए क्यों, इसमें डाल दिए हमने धातु आयरन सोलिड, तो क्या हुआ? ये अधिक क्रियाशील है, चाहे क्रियाशीलता श्रेणी में देख लो, ये कॉपर है, यहाँ आयरन है, तो आयरन अधिक क्रियाशील है, ये इसको इसकी जगह से विस्थापित कर देगा और बनेगा FeSO4, AKO, साथ में बन जाएगा कॉपर सोलिड। ठीक है, ये होता है ब्लू कलर का और ये होता है ग्रीन कलर का, इसलिए रंग भी परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें, मतलब हम ले FeSO4 विलयन और इसमें डालें कॉपर, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर आयरन से कम क्रियाशील धातु है, बात याद रखना। अब ले ले ZnSO4 कॉपर सल्फेट या आयरन सल्फेट FeSO4, इसमें अगर हम कॉपर की बजाय जिंक डाल दें, तो जिंक को आयरन से अधिक क्रियाशील है, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट और आयरन बाहर निकल जाएगी। तो ये कौन सी अभिक्रियाएं हुई? ये सारी की सारी विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। कौन सी हैं? ये विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, ये बात याद रखना भी, ये पहले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट,
ये ले लिया हमने और इसमें डाल दिया कॉपर, क्या अभिक्रिया होगी? अब देख लो कॉपर तो सिल्वर से ऊपर है तो ये अभिक्रियाशील है इससे, तो ये इसको हटा देगी तो बन जाएगा CuNO3 की 2 कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर हम उल्टा करें, मतलब क्या, कॉपर नाइट्रेट ले ले CuNO3 की 2, ये घोल ले लिया हमने और इसमें डाल दी सिल्वर, तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्यों? क्योंकि सिल्वर कॉपर से अधिक क्रिया, कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्या, जब धातु को किसी दूसरी धातु के लवण से अभिक्रिया करना पड़ जाए तो किस प्रकार अभिक्रियाएं करती हैं। ठीक है, ये भी मत समझना कि ये विस्थापन अभिक्रियाएं सिर्फ जलीय विलयन में होती है। हम पढ़ चुके हैं कि विस्थापन अभिक्रियाएं ठोस में भी हो सकती है, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में ही। क्या, जब हम अभिक्रिया करवाते हैं किसकी, आयरन ऑक्साइड की Fe2 Fe3O4 प्लस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है Fe2O3 मिलेगा यहाँ पे भाई। तो अभिक्रिया करवाएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्राप्त होगा और आयरन बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई, आयरन बाहर निकलेगा और यहाँ पे जो आयरन है वो, ये अभिक्रिया इतनी ऊष्मा से की होती है कि आयरन जो प्राप्त होगा वो हमें पिघली हुई अवस्था में मिलता है, मोल्टन स्टेट में मिलेगा, मतलब पिघली हुई अवस्था में, इसलिए इसको थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं, पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 3 में धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी और पढ़ेंगे हम, इससे आगे हम पढ़ेंगे धातु की अधातु से क्रिया या धातु की क्लोरीन और हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए ही इतना ही। तो देखो भाई, वीडियो को पूरा देखना है, अगर आप लोग वीडियो को 5-7 मिनट देख के छोड़ दोगे कि समझ में कुछ नहीं आ रहा तो कभी समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि किसी भी टीचर के मेथड को समझने के लिए उसकी पूरी बात को समझना ज़रूरी है कि वो स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक कौन सा मेथड अपनाता है। पूरी की पूरी वीडियो देखोगे तभी चीज़ें क्लियर होगी, तभी समझ में आ सकता है, ऐसे बीच में छोड़ दोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से समझना है, अगर कुछ बात समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, समझ में ज़रूर आएगी, फिर भी नहीं आए तो कमेंट में लिख देना, हम समझाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।